दोस्तों लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, कांग्रेचुलेशन का पेज जा चुका है। क्रेडिट स्कोर आप लोग सबसे पहले देखो, 590 का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर जो है फेज करके आया है और 10,000 का लोन मिला है 3 महीने के लिए। ठीक है, आप लोग डिटेल्स देख सकते हो 10,000 का 3 महीने के लिए लोन कितना क्या है क्या नहीं है। तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अभी के टाइम में आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोगों को लोन की जरूरत है तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है 590 का, 550 भी होगा तो भी आप लोगों को लोन इससे मिलेगा। 10,000 का लोन यहाँ पर अगर इतना कम अमाउंट मतलब लोन में मिल रहा है, कम सिबिल में मिल रहा है, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। तो आप लोग जरूर जरूर ट्राई करना, आप लोगों को एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। ये जो भी NBFC रजिस्टर्ड है आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना होगा, उसके बाद ही अप्लाई करना होगा। इस तरीके का कांग्रेचुलेशन का पेज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइव देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो डिटेल्स आप लोगों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेगा। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को, अगर सभी के पास होता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि वहां पर दो तरीके का लोन मिलेगा, एक जंबो लोन मिलेगा, एक मिनी लोन मिलेगा। तो अगर जंबो लोन अगर यूज करोगे, उसमें इस्तेमाल करोगे, जंबो लोन अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को मिनी लोन जो है लेना है तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं। वो मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर क्या क्या डालना पड़ेगा, क्या नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा यहाँ पर मैंडेटरी, और बाकी का डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो लगेगा जो नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो वॉच करें पूरा, आप लोगों को डेफिनेटली जिससे लोन मिलेगा। ठीक है, लाइव आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, कांग्रेचुलेशन का पेज है, 10,000 का लोन 3 महीने के लिए मिला है और सिविल स्कोर भी आप लोग ध्यान से देखो देख चीज को। ठीक है, 590 का सिविल स्कोर आया है, तो पूरा देखना वीडियो, उसके बाद आप अप्लाई करना, आप लोगों को डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो, 10,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है और वो भी 590 सिविल पर। लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है 590 सिविल पर जो है 10,000 का लोन मिला है 3 महीने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए लोन तो ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, किस तरीके से आप लोगों को लोन देगा, वो सब कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा। कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी 7 डेज लोन एप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों को 3 महीने के लिए लोन दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये RBSL लाइसेंस है, NBFC है। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो आप लोग सही समय पर भी चुकाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये लोन एप्लीकेशन अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोगों का इमरजेंसी लोन की जरूरत है तो ये नया लोन एप्लीकेशन अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सा कुछ स्टेप्स है जो कि आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो, उसके बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसके बाद आप लोग फिर से वीडियो देखना, उसके बाद अप्लाई करना, आप लोगों को डेफिनेटली लोन मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें करने से पहले आप लोगों को समझना होगा, अगर आप सही तरीके से नहीं समझोगे तो आप लोग उसमें अप्लाई करोगे भी तो भी आप लोगों को जो है लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई करना। मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को लोन मिलेगा। यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हो 3 महीने के लिए लोन मिला है 10,000 का, जो कि प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट के, इंटरेस्ट रेट काट के, जो कि उनके पास कितना गया है सब कुछ वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, डिटेल वाइज समझाने के लिए मैं उससे पहले आप लोगों से छोटा सा जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि मेरे एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें 18,000 के आसपास ऑलमोस्ट जो है सब्सक्राइबर्स हो चुका है। यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता लोन रिगार्डिंग, वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोगों को लोन जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। वहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होता है, रिजेक्शन होता है, तो वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल वाइज समझा लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ। प्ले स्टोर में आप लोग इसका रेटिंग्स देख सकते हो, नया लोन एप्लीकेशन ही है, कुछ ज़्यादा डाउनलोड्स यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो 4.4 का रेटिंग्स है, बहुत बढ़िया रेटिंग्स है, 100K+ डाउनलोड्स हुआ है, ज़्यादा रेटिंग्स अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब डाउनलोड्स हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे नॉर्मल सी कोई भी एप्लीकेशन तो उसमें 10 मिलियन डाउनलोड्स, 50 मिलियन डाउनलोड्स, इस तरीके का डाउनलोड्स है, तो उसके हिसाब से ये कम ही है। तो सिंपल से आप लोगों को इंस्टॉल में क्लिक करना होगा। जैसे इंस्टॉल करोगे अपने फोन पर तो सबसे पहला इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, अवेल पर्सनल लोन। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट जो है एरो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है कुछ एक्सपीरियंस का परमिशन वगैरह मांग रहे हैं, जो कि कैमरा स्टोरेज का है। आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करते आप लोगों के पास जो है कुछ परमिशन लेगा, वो आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करते आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। अब लॉगिन के लिए आप लोगों को जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो यहाँ पर, वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो वही वाला मोबाइल नंबर आप डालना है। उसके बाद गेट OTP जैसे करोगे तो एक OTP आपके फोन पे जाएगा, तो फोन पे OTP जाएगा तो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। लॉगिन में क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपका फुल नेम मांग रहे, आपके पैन कार्ड पर जो नाम है वो आपको डालना पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है, फादर का नेम आप लोगों को डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ जो है डालना, जेंडर आप लोग मेल फीमेल अदर्स जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस आप लोग यहाँ पर जो भी है सिंगल मैरिड जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको मैरिड सिलेक्ट करना है, कुछ भी ऐसा नहीं, आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे 7 नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है
कि आप लोगों का सैलरी जो है इन्फॉर्मेशन, मतलब वर्क इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड वाले को लोन प्रोवाइड कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड में ट्राई किया था, रिजेक्शन मिल गया था, सैलरीड पे ट्राई किया है, 10,000 का लोन अप्रूवल हुआ है। तो जैसे आप लोग सैलरीड पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों का सैलरी जो है यहाँ पर 20,000 से 40,000 आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। जैसे जैसे मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों को वैसे ही सिलेक्ट करना होगा। मोड ऑफ सैलरी आप लोगों को बैंक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। बैंक का नेम जैसे कि यहाँ पर बंधन बैंक सेलेक्ट किया हुआ, आप लोग कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी बैंक है। कंपनी का नाम आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम आप उठा लेना। कंपनी का ईमेल आईडी आप लोग कुछ भी डाल देना, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री का नेम टाइप क्या है वो आप लोग डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आप लोग ग्रेजुएशन डिग्री जिस तरीके का है वो सब आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस इन करंट कंपनी, आप लोगों का जो भी कंपनी है जहाँ पर काम कर रहे हो उसमें कितना साल तक एक्सपीरियंस है, तो आप 2 से 3 साल या फिर 4 से 5 साल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शंस मिलेगा जहाँ पर आप लोगों से अपना जो भी घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपल से जो है घर का नंबर पूछा जा रहा है आप डाल दीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सिंपल से जो है गांव वगैरह है तो आप लोग डाल दीजिएगा जो भी है। उसके बाद लैंडमार्क डालने के लिए बोला जा रहा है, जो भी घर के सामने मंदिर होगा, मस्जिद होगा, कोई भी अगर स्टैचू वगैरह होगा तो आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। पिन कोड डालिएगा, उसके बाद सिटी डालिएगा, स्टेट डालिएगा, रेसिडेंट टाइप ओन्ड है या फिर आप लोगों का रेंटेड घर है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। आप लोगों को हमेशा जो है बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अगर फिल कर रहे हो आप लोग ओन जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, चाहे आप रेंटेड भी रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेइंग इन एड्रेस सिंस, आप लोग जहाँ पर रह रहे हो कितने सालों से रह रहे हो वहाँ पर, तो 5 साल से ऊपर आप लोग कर देना, कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन जो है पूछ रहा है, लोकेशन आप सिलेक्ट करके लोकेशन दे दीजिएगा और नेक्स्ट करना। नेक्स्ट जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपका एड्रेस वहाँ पर चला आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का एड्रेस शो करने लग जाएगा, यहाँ पर गोल एक सर्कल जो है देखने को मिल रहा है, आप इसको टिक करिएगा। टिक करके आप लोग नेक्स्ट करना। नेक्स्ट जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों से, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी एड्रेस डालना है वो आपका जहाँ पर काम कर रहे हो ना, वो मानो कि सैलरीड हो जॉब कर रहे हो, तो वो जो ऑफिस है जो भी आपका प्लांट है वो कहाँ पर है एड्रेस आपको देना पड़ेगा। सिंपल से एड्रेस देना पड़ेगा, लैंडमार्क देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा, सिटी देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा। तो ये सब देने के बाद आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं आप लोग नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है सेम तरीके से, और यहाँ पर आप लोगों को सर्कल दिख रहा है उसको आपको टिक करके नेक्स्ट करना होगा। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर सिविल स्कोर चेक होगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रिस्क स्कोर जो भी है ये 590 आया है, गुड गोइंग लिखा है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते हैं आप लोग नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है आप लोगों को कितना लोन चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल सा आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 15,000 से 20,000 सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आप लोगों का सिविल कम है। सिविल अगर अच्छा है तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 700 साढ़े 700 अगर है तो आप लोग 50,000 भी डाल सकते हो, लेकिन अगर कम है तो आप लोग थोड़ा सा कम डालिएगा। अब यहाँ पर टेन्योर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तो आप लोग इस हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन आ रहा है लोन का, एक जंबो लोन आ रहा है, एक मिनी लोन आ रहा है। जंबो लोन अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर बड़ा अमाउंट का लोन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है जो कि आप लोगों को डालने के लिए बोला जाएगा वहाँ पर, वो यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं डालोगे तो भी आप चलेगा। तो सिंपल सा जो है मिनी लोन आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों से लोन का पर्पस पूछा जा रहा है, तो आप लोग लोन का पर्पस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सारे पर्पस है, तो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल के आप लोग नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करते हैं आप लोगों को देखने को मिल रहा है KYC डॉक्यूमेंट पे आप लोगों का सेल्फी लेगा और यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो डालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले कैमरा को आप ऑन कर लीजिएगा। जैसे आप कैमरा को ऑन करेंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग फेस रख लीजिएगा सही तरीके से, लाइटिंग वगैरह क्लियर इमेज होना चाहिए, कोई ब्लर इमेज होना नहीं चाहिए, चश्मा वगैरह पहन के फोटो मत खींचिएगा। तो फोटो खींचने के बाद आप लोग नेक्स्ट में देखोगे इस तरीके से जो है पैन कार्ड का फोटो मांग रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिख रहा है। यहाँ पर रेड तरीके से अगर टिक आ रहा है मतलब क्या है, गलत हो रहा है कुछ, अगर आप सही तरीके से फोटो नहीं खींच रहे हो तो वहाँ पर रेड कलर का जो है यहाँ पर क्रॉस साइन आ जाएगा। तो आप लोग जैसे ही उसको सही तरीके से खींचोगे तो इस तरीके से आप लोग देख पाओगे कि सब कुछ जो है आप लोगों का ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे होगा तो नीचे राइट बटन पर क्लिक करना, उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा फेच करेगा। फेच करते ही आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा पैन कार्ड का जो है डिटेल्स, और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। अब जैसे डाल के नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेल्फी आ चुका है, पैन कार्ड आ चुका है, और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर भी ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। तो वेरीफाई आधार करना होगा, जैसे आधार वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आप लोगों का आधार कार्ड का फोटो लेगा। सेम उसी तरीके से आप लोगों को फोटो खींच के आप लोगों को देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्लियरिफाइड जो है दो तरीके का मतलब बैक साइड फ्रंट साइड दोनों का फोटो लेगा। तो फोटो लेने के बाद आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट में इसका जो है डिजी लॉकर के वे जो भी है वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो अलाउ एंड प्रोसीड करना जो भी पेज खुलेगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट करना। अब यहाँ पर एक OTP जाएगा आपका जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वो OTP आप लोगों को इस बॉक्स में फिल करना होगा, सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करोगे नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो भी डिटेल्स डाला है मतलब डॉक्यूमेंट डाला है वो यहाँ पर शो कर लेगा। तो अलाउ करना, अलाउ करते हैं आप लोग से आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे ऑटोमेटिकली यह नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो है यहाँ पर अपलोड 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर मानो आप लोगों को जंबो लोन की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट डालना, अगर आप सैलरीड पर्सन हो अच्छा खासा इनकम आ रहा है तो आप लोगों को डालना पड़ेगा। अगर नहीं है
फिर भी आप लोग यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर डालने पर क्या होगा, नॉर्मल से बैंक स्टेटमेंट डालोगे तो भी आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ बैंक का वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, अगर बड़ा लोन चाहिए तो वहाँ पर सैलरी जो है चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेवन नेक्स्ट कर देना। सेवन नेक्स्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैन वेरीफाई हो चुका है, आधार वेरीफाई हो चुका है, प्राइमरी ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर स्कोर वगैरह सब कुछ जो है पेंडिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाला है वो यहाँ पर टिक हो जाएगा, बाकी का जो है क्रॉस हो जाएगा, जो नीड है वहाँ पर क्रॉस ही रहेगा। लेकिन आप लोगों को इस तरीके का ऑफर मिल जाएगा थोड़ा देर बाद कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्रूव लोन अमाउंट ऑफ 10,000 जो है आप लोगों का अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है 10,000 का जो है आप लोगों को टेन्योर वगैरह देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर टेन्योर आप सिलेक्ट कर सकते हो 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज, तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसका ईएमआई आप लोगों को शो कर रहा है। चेक लोन डिटेल्स जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों का लोन का डिटेल्स आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा कि कितना पैसा आप लोगों को मिलने वाला है, कितने महीने के लिए मिलेगा, कब कब आप लोगों का ईएमआई का डेट है, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप लोग ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करोगे तो ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करते आप लोगों को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पेज में कि बैंक जो है डिटेल्स मांग रहे हैं। तो बैंक का नाम डालिएगा, अकाउंट नंबर डालिएगा, कंफर्म अकाउंट नंबर करके आईएफएससी कोड डालिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में थोड़ा देर बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशंस, योर लोन अमाउंट 7,450 सक्सेसफुली इज बस टू योर बैंक अकाउंट, काइंडली चेक योर बैंक अकाउंट आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद जो है आप लोग बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा, आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पर अप्लाई करना है। आप लोग जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी है ये एक आरबीआई से लाइसेंस्ड है, आरबीआई का जो है यहाँ पर आप लोगों को रिसिप्ट कॉपी जो भी है रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी है ट्रस्टेड कंपनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आप लोग इसे लोन ले सकते हो, आसानी से आप लोगों को लोन मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया सेम उसी तरीके का प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे लोन मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। अब इस लोन एप्लीकेशन का नाम बताया तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट फिन, स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वाला लोगो है। इसको अगर सर्च करोगे नाम से नेक्स्ट फिन के नाम से तो आप लोगों को लोन आसान से मतलब एप्लीकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप लोग जैसे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया सेम उसी तरीके से आप लोग अप्लाई करना है वहाँ पर, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को लोन आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।